नमस्कार, मैं हूं कमल सिंह। लाइव न्यूज दिल्ली में आपका स्वागत है। देखते रहिए लाइव न्यूज दिल्ली। आज हमारे साथ है अंजलि गुलेरिया जी। इनके एक कार्यक्रम में हम आए हैं, जानते हैं मैम से इस कार्यक्रम की खास बात। मैम, ये कार्यक्रम आपने बड़े ही धूमधाम से चला रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और ये मेरा 5वां प्रोग्राम है जी। और मैं कभी भी किसी से पैसे नहीं लेती हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम करती हूँ अपने मन की खुशी के लिए। और सिंगर्स पैसे नहीं दे पाते हैं, इसी वजह से कुछ सिंगर्स गा भी नहीं पाते हैं। मैं और जशपाल हमेशा मिलके ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम करते हैं। जशपाल मेरे को पार्टनर है और मेरा पूरा सहयोग करते हैं। अच्छा मैम, मैं जानना चाहता हूँ, इतनी सुंदर सुंदर प्रतिभा आपके प्रोग्राम में आई हुई है, जो कि मैंने सुना है अभी बहुत ही अच्छे अच्छे सिंगर हैं, बड़ी अच्छी अच्छी सिंगर्स हैं जो अच्छा गा रही हैं, इनके देख के आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है मन को मेरे, इसीलिए इस प्रोग्राम को हम करते हैं, क्योंकि मुझे म्यूजिक से बहुत प्यार है। हमारे साथ जसपाल जी हैं, हम इन्हीं से जानेंगे आज इनको इस कार्यक्रम को करते हुए कैसा महसूस हो रहा है। जी बहुत अच्छा लग रहा है, आप सभी भाई हमारा साथ देने के लिए आए हैं, और हम ये चाहते हैं कि सारे हमारे भाई आगे बढ़े, बस हम ये इतना ही कहना चाहते हैं। अच्छा जसपाल जी, मैं आपके मुँह से जानना चाहूंगा कि कुछ कलाकारों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? कलाकारों को तो यही कहेंगे जी, थोड़ा देखिए, जसपाल जी बहुत ही शर्मीले हैं और मतलब बहुत अच्छा बताना चाहते हैं। मैं मेरा मतलब यही है कि जो कलाकार हमारे यहाँ आए हुए हैं, वो आपके इस कार्यक्रम में बने रहे, आगे भी आप इसी तरह के कार्य करते रहेंगे, उसके लिए आप क्या आपका योगदान रहेगा? बिल्कुल, हम तो सेवा के लिए खड़े हैं जी, जब हमारे को कोई कुछ कहेगा तो हम सेवा के लिए 24 घंटे खड़े हैं आधी रात को। ये मैम हमारी गुलेरिया जी है। मैम गुलेरिया जी, आप कितने समय से कार्यक्रम करते रही हैं? आज आपके देखिए हमारे बीच बहुत बड़े सिंगर हैं, मोहम्मद रफी और किशोर कुमार को भी गाते हैं, पवन शर्मा जी हैं, हम इस कार्यक्रम में देखने को मिले जी। हाँ बोलो। मुझे प्रोग्राम करते हैं अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट मैं झूठ नहीं बोलूंगी, सच्चे दिल से बोल रही हूँ। इस चीज की प्रेरणा मैंने शीतल सिंह जी से ही ली है। देखिए शीतल सिंह जी भी हमारे साथ हैं, अभी मैं उनको बुलाऊंगा लूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे बीच में हमारे पवन शर्मा जी हैं, उनसे चाहेंगे आज आपको इस कार्यक्रम में आते आकर कैसा महसूस हो रहा। पवन शर्मा जी जो बहुत ही अच्छे ऑर्केस्ट्रा चलाते हैं, आज गुलेरिया जी के प्रोग्राम में आए हैं, उन्हीं से जानते हैं उनके मुख से इस कार्यक्रम में आके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, सब सिंगर अच्छे हैं और सभी ने अच्छा गाया। सर मैं जानना चाहूंगा, आपको वर्षों से गाते चले आ रहे हैं, इस संगीत की दुनिया में हैं, संगीत प्रेमियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो अनु जी, अरे जसपाल जी चांस दे रहे हैं सबको जी, सबको आगे बढ़ा रहे हैं जी। ये बहुत बढ़िया है। देखिए पवन शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात की कि सबको आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा एक शब्द जरूरी गुनगुनाना चाहूंगा, जो अभी आपने अंजलि जी के प्रोग्राम में जो शब्द लास्ट वाला सॉन्ग जो सुनाया था, उसकी एक लाइन जरूर सुनाना चाहेंगे। एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया, पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया। एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। बहुत ही अच्छा पवन शर्मा जी ने गीत गुनगुनाया हमें, हमारे दर्शकों को, और उस साथ में हमारे बीच में आई है शीतल जी, उनसे चाहेंगे। शीतल जी से पहले चाहूंगा, क्योंकि शीतल जी काफी दिन के बाद मुझे दिखाई दे रही हैं, आज ये तो साड़ी में बहुत अच्छी भी लग रही हैं, थोड़ा सा बड़ा अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है प्रोग्राम में। ये अंजलि जी के प्रोग्राम में आप आए हैं आज, कोई खास कार्यक्रम है कि इतनी अच्छी साड़ी बांध के आप आई हैं, क्या कारण? हमेशा साड़ी ही पहनती हूँ आजकल ज्यादा, और अगर मैम डांस के मौका देंगी तो मैं कर लूंगी, इसलिए मैं यही जानना चाहता हूँ कि आज ऐसा क्या खास है जो कि तुम साड़ी ही पहनना पसंद करने लगी है, क्योंकि पहले मैंने किसी दूसरी पोशाक में आपको देखा है। इतने अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, हर जगह जाओ तो अच्छा लगता है पर्सनालिटी इंडियन ड्रेस। अच्छा हमारे बीच में हमारे चौहान साहब हैं, बहुत ही अच्छे प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर हैं, उन्हीं से जानना चाहेंगे आज इस कार्यक्रम में कैसा लग रहा है। चौहान साहब, सबसे पहले तो मैं लाइव न्यूज वाले को
शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोग यहाँ पर आए हुए हमारे मित्र हैं जसपाल जी, अंजू लहरिया जी, जो आज यहाँ के ऑर्गेनाइजर हैं और जिनकी अनुमति मुझे प्राप्त हुई। उन्होंने कहा सर आपको आना, तो मेरे आदेश था तो मुझे भी आना पड़ा। क्योंकि क्या होता है कि जब कोई हमारे साथी कलाकार हमको बुलाते हैं तो हमारा भी जाना वहाँ पर एक फर्ज बनता है, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इनका कि ये बहुत अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये और ऊंचाइयों पर जाए। और आने वाला जो इनके गाने होंगे ना, और मैं चुनौती तो नहीं देना चाहता, लेकिन इनको एक मैंने एक ऐसा एक उम्मीद किरण दिखा दिया है कि आने वाले टाइम के अंदर ये बहुत बड़ी एक स्टार बन जाएंगे, जैसे हमारे पवन शर्मा जी भी हैं। धन्यवाद। तो हमारे पे गुलेरिया जी, अंजलि गुलेरिया जी, बहुत ही अच्छा, मैं मैम से दूसरी बार मिल रहा हूँ और मुझे पता नहीं इतना अच्छा कार्यक्रम ये जो इन्होंने रचा है, और आगे कह रही हैं कि बहुत अच्छा कार्यक्रम करने की इनकी योजना है। भगवान हम चाहेंगे इनकी ये प्रोग्राम और भी अच्छा करें। और अभी कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं अकेले तो मैं प्रोग्राम नहीं कर सकती क्योंकि प्रोग्राम में पैसा भी लगता है, बहुत सारी चीजें होती है। इसमें मेरा सहयोग यशपाल जी करते हैं, इसी वजह से भी मैं प्रोग्राम कर पा रही हूँ। पैसे से यशपाल जी पीछे नहीं हटते हैं, जितना मर्जी खर्च हो कभी हिसाब नहीं पूछते हैं, कभी आज तक ये नहीं बोला कि डेट मत रखो या कल करो परसों करो, मैंने डन कर दिया, यशपाल जी कहते हैं डन। अच्छा यशपाल जी, मैं मैन ऑफ द मैच आप ही की तरफ जा रहा है कि हमें यशपाल जी का इशारा उन्हीं के मुंह से सुनना चाहेंगे, क्योंकि मैं सुन चुका हूँ यशपाल जी ने जो बताया लाख रुपए की एक बात कह दी कि देखिए कर्म करना कलाकारों का कर्म है, लेकिन इनका कर्म है लोगों को बढ़ाना और उनके कार्य को आगे बढ़ाने को अपना सम्मान समझते हैं। इसीलिए मैं यशपाल जी से यशपाल जी इसके अलावा और क्या कुछ करना चाहेंगे जी? इसके अलावा तो मुझे कुछ अभी समझ नहीं आता जी, हम तो शुरू से ही संगीत में लगे हुए हैं जी, हमें तो 30-35 साल हो गए जी इस लाइन में। कितनी अच्छी बात है कि देखिए यशपाल जी ने इतना अच्छा बोला कि देखिए थोड़ा बोल करके बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं, और हमें समझ लेना चाहिए, हमारे दर्शकों को भी समझ लेना चाहिए कि उनकी फीलिंग क्या है, उनकी फीलिंग हमारे संगीत से जुड़े सभी लोगों के लिए क्या है। उनके लिए ये हर कदम आगे बढ़े रहेंगे, और उनका कहना है कि 30-35 साल से हम इसी क्षेत्र में लगे हुए हैं और जनहित के काम करते रहते हैं, और मनोरंजन का कार्यक्रम जो भी हम करते चलाते चले आ रहे हैं, छोटे बड़े कलाकारों को प्रोत्साहन करते हैं, ये हम करते रहेंगे, बस यही हम गुजारिश करेंगे। और हमारे लाइव न्यूज़ दिल्ली चैनल के लिए क्या कहना चाहेंगे जी? आपका बहुत बहुत आभार है हमारा, और चौहान जी का, पवन भाई हमारे आज आए हैं, बड़े दिनों बाद दर्शन दिए भाई साहब, और आपका बहुत। मैम क्या कहना चाहेंगे लाइव न्यूज़ दिल्ली के लिए? थैंक यू सो मच, देखो आपके जरिए हम लोग हाईलाइट होते हैं, आपका भी बहुत बड़ा सहयोग है हमारे साथ। चलिए मैं इस कार्यक्रम में, और हमारे साथ कुछ मेहमान आए हैं, उन्हीं से जानता हूँ इस कार्यक्रम की रूपरेखा क्या थी और इस प्रोग्राम में आगे कैसा लगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक नायडू है जी। नायडू जी, इस प्रोग्राम में आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, मैं अंजलि जी को बहुत पहले से जानता हूँ, मैं भी 6-7 साल से, वो बहुत अच्छी इंसान है, उन्होंने बुलाया, मैं धन्यवाद करता हूँ उनका कि उन्होंने बुलाया और मुझे सम्मान दिया, थैंक यू सो मच। अच्छा ये संगीत का प्रोग्राम है, संगीत के आप कब से जुड़े हुए हैं? मैं तो बचपन से हूँ, पैदाइशी है, बहुत अच्छे सिंगर है। जी जी, बस ऐसे ही गाते हैं, थोड़ा बहुत दिल बहलाते हैं। अच्छा आप किसकी आवाज को गाते हैं? मैं तो रफी साहब को ज्यादा मानता हूँ। देखिए इस प्रोग्राम में रफी साहब के बहुत, यानी इतने अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं जो पुराने वर्षों से रफी साहब की आवाज को आगे बढ़ाते चले आए हैं। हमारे बीच एक बहुत खूबसूरत एक्ट्रेस हैं, उन्हीं से जानते हैं। मैम इस कार्यक्रम आके कैसा लगा? मुझे बहुत ही खुशी का अनुभूति हुई, और मुझे इस कार्यक्रम को मतलब दिल से, कहते हैं कि खाना छोड़ सकते हो गाना नहीं छोड़ सकती हूँ, तो मैं गुनगुनाती रहती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। म्यूजिकल प्रोग्राम बहुत अच्छा है, और आप लोग जो इतना अच्छे से कार्यक्रम किया है आप लोगों ने, आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। जैसा कि सर ने कहा कि रफ़ी जी को गाते हैं, और रफ़ी जी तो अब रहे नहीं लेकिन उनकी यादें हमारे बीच है, तो बहुत मजा आया इस कार्यक्रम में आकर के। अंजलि जी को बहुत बहुत शुभकामना, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। हमारे बीच है हमारे इस कार्यक्रम के खास होस्ट और सिंगर, सिंगिंग तो करते ही करते हैं, लेकिन आज इन्होंने इस प्रोग्राम की जो चार चांद लगे उन्हीं से जानते हैं, इस प्रोग्राम में आज आपको कैसा लग रहा है? हमारे साथ हैं बहुत अच्छे होस्ट हैं मुकेश दयाल जी, उन्हीं से जानते हैं इस कार्यक्रम की कैसा लगा आपको कर। देखिए सबसे पहले तो मैं लाइव न्यूज का बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप हमारी आवाज़ बहुत करोड़ों करोड़ों लोगों तक हमारी आवाज़ पहुँचा रहे हैं। मैं राइजिंग स्टार के ऑर्गेनाइजर श्रीमती अंजलि गुलेरिया जी, आज इन्होंने शो रखा है, और जसपाल जी मेरे छोटे भाई हैं,
बहुत आदर करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, बहुत अच्छा गाते भी हैं। और हमारे साथ टीसी चौहान साहब हैं, दीपक नायडू जी हैं, रिंकू मिश्रा जी हैं, मैं किशोर जी हमारे बीच में हैं। तो मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और देखिए, जिस व्यक्ति के जीवन में संगीत नहीं, उसका जीवन अधूरा है। संगीत जीवन की एक ऐसी कड़ी है जो व्यक्ति को जीना सिखाती है। मेरी नज़र में तीन प्रकार के सिंगर होते हैं, तीन सिंगर। पहला सिंगर झूठा, जो गले से गाता है, दूसरा सिंगर जो पेट से गाता है, और तीसरा सिंगर जो दिल से गाता है। वो सबसे बड़ा सिंगर है जो दिल में, दिल से गाता है। इस कार्यक्रम का ये है, इसमें नए नए कलाकारों को ये प्रोत्साहित करती हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कलाकारों को कोई पैसा नहीं लेती, वो इसलिए क्योंकि परेशानी क्या है कलाकारों को, परेशानी क्या है कलाकारों को, यकीन ना है तो पूछो इन फनकारों से। कलाकार लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से, बहुत परेशान है कलाकार। चलिए, हमारे साथ और हैं, हमारे मेहमान हैं, उनसे जाने। मैम, कैसा लग रहा है इस कार्यक्रम में? मेरे को, मेरा नाम प्रीति कौर है, मैं भी एक ऑर्गेनाइजर और सिंगर हूँ। अंजलि मेरी दोस्त है और जसवंत जी, ये मिल के दोनों बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। मैं पहले भी इनके प्रोग्राम में आई हूँ, खूब इंजॉय किया है। सबसे बड़ी बात है, फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, लोगों को बढ़ने का मौका देते हैं, जिनके पास नहीं है उनको भी गवाते हैं और नॉलेज भी देते हैं। तो मैं बड़े भाग्यवान हूँ, मेरी ऐसी दोस्त है और मैं यहाँ पे आती हूँ और गाती भी हूँ। और हमारे साथ हमारे मेहमान जानना चाहेंगे, सर क्या नाम है आपका? बलदेव सांख्यन। अच्छा, क्या करते हैं सर? मैं वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सर्विस करता हूँ, ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन से गा रहा हूँ पिछले 30 सालों से। इस कार्यक्रम में आगे आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा कदम है इनका जी। और जो नए नए नवोदित कलाकार हैं उनको ये प्रोत्साहित कर रहे हैं, नई प्रतिभाओं को खोज रहे हैं। और इसी तरह से आप अपना काम ये बढ़ाते रहें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। देखिए, मैं अंजलि गुलेरिया जी से एक बार फिर दोबारा कहूंगा, उन्हीं के पास जा रहा हूं कि देखिए, इतने अच्छे अच्छे जो प्रोग्राम को चाहने वाले हैं और आपके कार्यक्रम में आए हैं, इन सब आने वाले आए जो हमारे मेहमान हैं, इनको क्या कहना चाहेंगे? मैं वेलकम करती हूँ। देखो, ये आते तो मुझे भी हौसला मिलता है जी, ऑडियंस आई अच्छा लगता है, तालियां बजती हैं और भी अच्छा लगता है, हौसला मिलता है। और ये सब कुछ जसपाल जी के थ्रू हो रहा है, मत भूलिए। जसपाल जी फिर दोबारा आ जाते हैं, ठीक है, हम आगे नहीं पूछेंगे। जसपाल जी ने इतना कुछ बोल दिया, ना बोल करके भी पूरे प्रोग्राम की जान है। जसपाल जी इस पूरे प्रोग्राम की जान है, क्योंकि जसपाल जी ने ना कुछ बोल करके भी बहुत कुछ बोल दिया। हम चाहते हैं भगवान इनको अच्छा, इनका कारोबार बढ़ाए और इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाए। धन्यवाद। आज अंजलि गुलेरिया जी के इस कार्यक्रम में एक और मेहमान हमारे साथ है, जानते हैं उन्हीं से इस प्रोग्राम की कोई खास बात और अपने बारे में बताएंगी। मैम, क्या नाम है आप? पायल कक्कड़। कक्कड़ जी, कैसा लगा इस कार्यक्रम में? वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। और मैं अभी आई हूँ, मैं इनको पठान साहब को देख रही हूँ। हाँ, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो ये प्रोग्राम कराते हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोगों ने गाना शुरू किया, हम यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत स्ट्रेस में रहते हैं और क्या कहते हैं, घर पे रहते हैं, जो ओल्ड एजेड होते हैं, वो कुछ वो गा नहीं पाते, उनको मौका नहीं मिलता, तो वो यहाँ आते हैं। आप अभी अभी अंदर चले जाइए, लाइव शो में आपको दिखेगा कौन से एज के गा रहे हैं, तो उनका स्ट्रेस रिलीज होता है। फिर वो आके कहेंगे, अंजलि जी मैंने अच्छा गाया, मैंने अभी सुना, उन्होंने अंजलि जी मैंने अच्छा गाया। अगर इनकी एक यस से उनका एक मोटिवेशन होता है, तो इन्होंने बोला आपने बहुत अच्छा गाया, मैं बाहर थी, तो उन्होंने कहा कि मैं एक और अच्छा गा के दिखाऊंगा। तो आई थिंक वो ही एक बहुत ही बेटर, मतलब एक हम लोग तो चलो गा लेते हैं, ठीक है, हमारा एज हमारे, लेकिन जो एज ग्रुप ऊपर है उनके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हम लोग तो डांट खाते हैं, गा लेते हैं, ठीक है, लेकिन जो अंजलि जी ने प्लेटफॉर्म दिया है बड़े लोगों को, तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग व्हाट कैन हैपन। अच्छा, आप भी गाते हैं? हां जी। किसकी आवाज को ज्यादा पसंद करते हैं? मैं सबकी गाना, पहले मैं सुनीति चौहान गाती थी, फिर मैं लंबी जुदाई से फेमस हुई, फिर बीच में गाना छोड़ दिया, अब फिर से स्टार्ट किया, तो अब सारा रिहर्सल चलती है। तो कक्कड़ हमारी एक तो नहीं मुंबई में है कक्कड़, और वो दूसरे कक्कड़ आप हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी। आज हम मिल रहे हैं दिल्ली वाली कक्कड़ से और उनसे जानेंगे, आज आपका कोई सिंगर कोई गाना यहाँ पर है? हाँ जी। कौन सा गाना? अभी मैंने सोचा कि कटी पतंग गाऊंगी या दम मारो दम गाऊंगी, तो और मेरे दर्शक भी ये सुनना चाहेंगे कि
कटी पतंगा वो कौन सा सॉन्ग है जिसे आप इस प्रोग्राम में अपना अजीत समझ रहे हैं? कटी पतंगा टाइटल सॉन्ग, कटी पतंगा टाइटल सॉन्ग ना कोई। ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। मैं कहता हूँ लता मंगेशकर जी का जो आवाज का गाना है, ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, बस एक कटी पतंग है, इतना सब तो सभी को याद रहता है। मैं जानना चाहूंगा बड़ा अच्छा एक लाइन गुनगुना देंगे मैम तो? ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है। देखिए कितना अच्छा यानी सॉन्ग सुनाया लता जी की आवाज को, इतने मधुर आवाज जो आज भी उनके आज के बाद भी बहुत ही अच्छा याद रखा है। भगवान इनकी आवाज इसी तरह बनाए रखे और अच्छा करे इनको प्रोग्राम को, बहुत अच्छा। थैंक यू भाई, थैंक यू।